everyone, welcome back to the channel. This is Augustine Richard and you are watching AR Biker. और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप अपना 1000 सब्सक्राइबर और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें। बट उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि 1000 सब्सक्राइबर होने में मुझे एक साल से ज़्यादा लग जाएगा, बट आपने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने में ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्या उससे डबल करके दिखा दिया। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप सब भी, अगर आप कर रहे हैं यूट्यूब में और आप वीडियो डाल रहे हैं, तो आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकें। तो पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर 10,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यूज़ आना। व्यूज़ अगर आएगी तो आपका 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब व्यूज़ आने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी वीडियो बनाते हो ऐसा कंटेंट को ढूंढो जो ट्रेंडिंग हो, आपके चैनल से रिलेटेड हो और ट्रेंडिंग भी हो। ट्रेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप व्यूज़ पाना चाहते हो। तो सोचिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपका गेमिंग चैनल है तो आप पबजी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ज़्यादा व्यूज़ आने की चांसेस होगी और जितनी ज़्यादा व्यूज़ आएगी उतना आपको सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपका ट्रैवलिंग बेस्ड चैनल है जैसे कि मेरा है, तो कोशिश करो कि आप लद्दाख के बारे वीडियो बनाओ और गैंगटॉक के बारे वीडियो बनाओ, ऐसे जो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेस है उस वहाँ पर जाके वहाँ पर वीडियो बनाइए, तो ज़्यादा चांसेस होगी लोगों को आपका वीडियो दिखे और आपके वीडियोज़ में व्यूज़ आए ताकि और आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए। अगर टेक्निकल बेस्ड चैनल है जैसे आप कोई भी नया मोबाइल जो आता है उसका रिव्यू कर सकते हैं, नया कैमरा का रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा करके आपको वीडियो बनाना है ताकि आपको व्यूज़ आ पाए। व्यूज़ आना सबसे इम्पॉर्टेंट है छोटे चैनल के लिए। छोटे चैनल को मोस्टली व्यूज़ नहीं आती है और व्यूज़ नहीं आने की वजह से ही आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाता है और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम नहीं हो पाता है। अगर आप पहला पॉइंट को ध्यान में रखते हो और ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपनी वीडियो को बेस्ट करते हो और ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही अपनी वीडियो बनाते हो, तो ये आपको कोई नहीं रोक सकता फिर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होने में। मैं सच बताता हूँ, मैंने सिर्फ 2 या 3 वीडियो ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाई थी, 2 वीडियो हिट हो गई मेरी और काफ़ी व्यूज़ आ गया उस पर और मेरे 1000 क्या 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। चलिए आप दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। YouTube के एल्गोरिथम्स के हिसाब से आपके दोस्त ही आपके सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे चैनल को ग्रो कराने में, और मैं बताता हूँ कैसे। YouTube आपकी वीडियो को जज करता है कि आपके जो भी व्यूअर्स है वो आपकी वीडियोस को कितनी देर तक देखते हैं, ऑडियंस रिटेंशन टाइम बोला जाता है इसे। आपकी वीडियो अगर सोचिए 8 मिनट का है और आपके जो जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर बोल सकते हैं जो आपके दोस्त हैं जिन्हें आप पहले वीडियो सेंड करते हैं, वो वीडियो को अगर थोड़ी देर देखते हैं और बंद कर देते हैं, जैसे कि 8 मिनट का वीडियो है और आपके दोस्त लोग सिर्फ 1 मिनट देखते हैं और बंद कर देते हैं, तो आपकी वीडियो की रैंकिंग ख़राब हो जाती है और रैंकिंग ख़राब हो जाने की वजह से YouTube और ये वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है और ना ही किसी को सजेस्ट करता है कि ये वीडियो देखें। YouTube को लगता है कि ये वीडियो ख़राब है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके दोस्त लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होने वाले हैं इस चैनल को ग्रो कराने में। इसका पीछे रीज़न बताता हूँ। जब आप वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्त लोगों को, मोस्ट ऑफ देम क्या करेंगे, वीडियो को ओपन करेंगे, लाइक करेंगे और फिर बंद कर देंगे वीडियो को और बोलेंगे कि मैंने वीडियो देख लिया है भाई। बट यही रीज़न है कि आपकी वीडियो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और मैं सच बताता हूँ, मेरी 2 वीडियो बहुत हिट हुई है और वो वीडियो को मैंने कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया था, फिर भी वो वीडियोज़ में 1 लाख से ऊपर की व्यूज़ है। बट स्टिल मैं बताऊंगा कि आपको शेयर करना है और किन लोगों को शेयर करना है। चलिए आप बात करते हैं, आपके चैनल न्यू हैं, आपको लोगों को वीडियो शेयर करनी है, अपने दोस्तों को ही करेंगे। बट मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, आप कैसे व्यूज़ ज़्यादा ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें से यही होगा कि आप जिस लोगों को शेयर करेंगे उस लोगों का वो फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आपका अगर गेमिंग चैनल है तो आप कोई भी रैंडम आदमी को शेयर करते हो वीडियो, तो वो आदमी उस अगर उसको गेमिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो वो शायद उस वीडियो को नहीं देखेगा। जैसे मेरा कैमरामैन, ये बाबू गेम खेलता नहीं है, और मैं अगर इसको अगर गेमिंग का वीडियो शेयर करूँगा ना तो ये कभी नहीं देखेगा मेरा वीडियो।
बस खोले या लाइक करके छोड़ देगा। तो यही बात है, अगर आपके ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो उन लोगों को शेयर करो जिसको ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट है। अगर आपका कंटेंट कुकिंग का है तो उन लोगों को शेयर करो जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है। जो भी आपका चैनल जिस भी कंटेंट से रिलेटेड है उस फील्ड के लोगों को आपको जान पहचान बनाना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे, आप फेसबुक खोलिए, एक फेक अकाउंट बनाओ फेसबुक में, या फिर इंस्टाग्राम में एक फेक अकाउंट बनाओ, दोनों भी काम कर सकते हो। दोनों खोलो, आप क्या करो उन पेजेस को सर्च करो और पेजेस को ढूंढो जो भी आपका कंटेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो आप उस पेजेस को ढूंढो जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट रखते हैं अपने में, और फिर उन आईडी से देखिए कि कौन कौन उस पेजेस को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो ट्रैवलिंग पेजेस को ढूंढिए, अगर आप कुकिंग में हैं तो कुकिंग पेजेस को ढूंढिए, और अगर आप गेमिंग में हैं तो गेमिंग की तो नॉर्मल हमारे फ्रेंड सर्कल में ग्रुप तो रहते ही है, उस ग्रुप में आप शेयर कर दो। जो ट्रैवलिंग में है तो आप उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए उस फेक आईडी से, और उन लोगों को इकट्ठा कीजिए और अपने लिंक उन लोगों को शेयर करिए, ताकि उनमें से जितने भी लोग आपकी वीडियो देखे वो इंटरेस्टेड हो और वो उस वीडियो को लगातार देखते जाए। जो भी आपकी पब्लिक है वो आपको आपका वीडियो को ज़्यादा देरी तक देखते हैं, ज़्यादा देरी तक देखने पसंद करते हैं। मतलब सोचिए कि अगर आपका वीडियो 8 मिनट का है तो लोग अगर 60% तक देख ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है आपकी वीडियो हिट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी पॉइंट एकदम नॉर्मल सी बात है, आपको थंबनेल और जो भी आपका टाइटल हो थोड़ा कैची हो। कोशिश करें कि लोग अगर आपके थंबनेल और टाइटल को देखे तो आप क्लिक करना बनता है। संजू मूवी बोलता है कोई कुछ भी टाइटल में अगर आप क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे तो कैची बन जाती है, लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप यूट्यूब में सर्च करें, अगर लोग क्लिक करते हैं, जबकि स्टार्टिंग होनी चाहिए वो एकदम इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि लोग और थोड़ा देरी तक देखते रहे। तो ये तीन पॉइंट था हमारा, अगर आप ये तीन पॉइंट को लेके चलते हैं तो आपका 1000 सब्सक्राइबर और 10,000 आवर्स का वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट होगा, एकदम होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और सच बात ये भी है कि देखिए थोड़ी सी किस्मत का खेल है इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर एक अच्छा कंटेंट को लेके वीडियो बनाते हो, अच्छा टाइटल रखते हो और सही लोगों को शेयर करते हो ये वीडियो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कंटेंट हिट हो जाएगा और आपका चैनल हिट हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारे दूसरे वीडियोस भी देखे, आपको जरूर पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में। राइड सेफ, ओवर एंड आउट।